Guys, welcome to our channel. My name is Priyank. His name is Fennel. आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, सो मैंने सोचा वाई नॉट शेयर इट विद यू ऑल. अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और फैनल क्या कर रहा है? ओके, मैं दिखाता हूँ. फैनल प्रेस को देने के लिए कपड़े सारे लगा रहा है. गुड मॉर्निंग फैनी. गुड मॉर्निंग. सो फैनल, ये सारे कपड़े, कितने कपड़े हैं? 18 शर्ट 9 पैंट. ठीक है. नीचे ड्रॉर खाली हो गया पूरा? ठीक है, देता हूँ. लगता है प्रेस वाला आ गया है. जॉय प्रेस हो गया है. जॉय जाके चेक करके आ रहा है. रुको, जॉय ठर बन चुकी है. ये तुम वो खुद ही लेने आएगा, तुम थोड़ा ना लेने देने जाओगे. तो देना पड़ेगा ना हमें. अरे वो व्हाटएवर दैट मींस. क्या बता दो. क्या न्यूज़पेपर आ गया है. Q-commerce says Zepto investors line up to deliver. ओके, लगते हैं अभी पढ़ेंगे अखबार. पोल्स ओवर, गवर्नमेंट ड्रॉज फाइनल स्केच अप 100-day एक्शन प्लान. सो आज का दिन हैक्टिक क्यों होने वाला है गाइस, पता है? क्योंकि हमें जाना है जॉय को ड्रॉप करने के लिए हमारे घर फॉर अ वीक. और अभी आपको गैस करना है कि हम एक हफ्ते के लिए जॉय को क्यों छोड़ रहे हैं अपने घर पे, यहाँ पर क्यों नहीं रह सकता वो. और दूसरा, उसके पहले हमें आज ऑफिस जाना है. ऑफिस के बाद देन वी हैव टू गो टू हापुड़. सो एंड देन वी हैव टू कम बैक इन नाइट बिकॉज टुमारो वी हैव टू वर्क. एंड दिन में हम सुबह वी कैन नॉट अफोर्ड टू कम बिकॉज बहुत जाम होता है एंड वी हैव आवर ऑफिस. सो ये काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है, बट इट्स ओके. जब तक लाइफ में थोड़ा सा वो थ्रिल नहीं होता तो मज़ा नहीं आता. तुम क्या कर रहे हो? नींबू पानी. अच्छा, पानी बना रहा है दोनों के लिए नींबू पानी, क्योंकि हम अभी उठे हैं. और उसके बाद फटाफट जॉय को नीचे घुमा के आने के बाद हम नहा धो के ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे बिकॉज आज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. और फैनल मेरे को ऑफिस ड्रॉप कर रहा है. तुम ऑफिस ड्रॉप करोगे या वहाँ पे? मतलब टाइम के हिसाब से. ठीक है, तो फिर जल्दी कर लेते हैं ना, ताकि ऑफिस से ड्रॉप कर पाओ. पास में ही है. सो आज मेरा लकी होने वाला है दिन जब मुझे फैन छोड़ते हैं ऑफिस. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं पूरे रास्ते भर इसको परेशान करते हुए जाता हूँ, फालतू के गाने सुनाते हुए जाता हूँ जिनमें फैन को मुझे लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं आता है ना. फैनी बहुत इंटरेस्ट आता है. भाइयों पिटी कर रहा हूँ, बचा ले. अच्छा अच्छा, देखो देखो ये बचाने आ गया था. ये बचाने आ गया. पीते हैं नींबू पानी और आप देखो आज हमारी कहानी. और जॉय जा रहे हैं वॉक पे. आज थोड़ा हेक्टिक है तो फैनल नहीं जा रहा है. फैनल विल गो एंड गेट फ्रेश. इतने दीदी भी आ जाएंगी. चलो 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 चलो. प्राइस अभी 7:52 हो रहे हैं. मेरे को 8 बजे तक इसको घुमा के वापस जाना है. तो जब भी कभी टाइम कम होता है तो इसे एग्रीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ काम वो कर लेता है, कुछ काम मैं कर लेता हूँ. फैनल बना रहा है हमारे लिए पराठे. लंच में हम खिचड़ी लेके जा रहे हैं. लंच में हम खिचड़ी लेके जा रहे हैं. क्या बोल रहे हो? गर्म कर दी है. ओके. और मैंने जॉय को नहला दिया है. मैं मेरे लिए ब्रेकफास्ट और अपने लिए भी ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा है. और हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ के फिर ऑफिस चले जाएंगे. जॉय को पहुँचना है टॉवल से. सो मैं जा रहा हूँ. मैंने सोचा पहले मैं खुद कपड़े पहन लेता हूँ एक बार, फिर मैं जॉय को टॉवल से पहुँचूंगा. रुको, रुक जाओ रुक जाओ. I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dance it on the floor. Hello. Namaste. Namaste ji. कहाँ रह गई? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. तो मैं तो 8 बजे सोचे बैठा था, अभी 9 बजे. दीदी की भी चाय बना लेना फैनी. ओके दीदी, आ जाओ. फाइनली दीदी इज इन द हाउस. हमने उनको फोन किया था, कहाँ रह गई. हेलो दीदी, बोलो हाय. बोलो हाय गाइस. दीदी ये तो फ्रिज में पानी भर के रखना है. राम. अब पानी भर
मैं भर दूंगा। हम जा रहे हैं ऑफिस, आज फैनल मेरे को मेरे ऑफिस छोड़ेगा और शाम को फिर हम साथ में जाएंगे। चलो गाइस बाय, मिलते हैं शाम को। और मे बी दिन में भी मैं अगर कुछ कंटेंट बना पाया तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक सम कंटेंट के नाम पे आ गया। जो एक सुबह सुबह कॉलेज करके एक घंटा बाद में कॉल लगाता है। गाइस ये कैमेलियाज 100 करोड़ के फ्लैट्स जो गुड़गांव में एक एक फ्लैट 100 करोड़ का बिक रहा है। और ये है स्कूटी चलाने वाला डेमेलियाज। मैं तो घर पे आ गया हूँ लेकिन अभी फैनल नहीं आया है, सो आई एम जस्ट वॉकिंग डाउन स्टेयर्स बिकॉज चाबी फैनल के पास है। और थक गया हूँ आज, आज मैंने थोड़ा जल्दी निकला था ऑफिस से क्योंकि हमें जाना है घर पे, बट फैनल नहीं आया सो सब काम बराबर हो गया। बट इट्स ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। गाइस हालत ख़राब हो गई, मैं आज ऑफिस से जल्दी आया था लेकिन आज फैनल की मीटिंग थी उसके चक्कर में वो भाई साहब जल्दी नहीं आए और मुझे एक घंटा नीचे इतनी गर्मी में बैग टांग के वॉक करना पड़ा क्योंकि हमारे पास अभी 2 चाबी नहीं है। मुझे पानी ला के दे रहा है मनाने के लिए जबकि जानता नहीं है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। ऑफिस से आने के बाद हम लोग इतने थक गए हैं, उसके बाद हम जहाँ जा रहे हैं हमें वहाँ के भी प्लानिंग करनी है और हमें टिकट्स वगैरह और भी फर्दर आगे जो जो हमें कुछ कुछ करना है वहाँ पे हमने टिकट्स बुक करी है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ पहले क्योंकि इट्स अ सरप्राइज। तुम बोल नहीं रहे थे। सो फाइनली मैंने एनर्जी इकट्ठी कर ली है और अब हम जा रहे हैं मेरे घर पे। सो हम लोग जॉय को छोड़ने जा रहे हैं और हम लोग फिर रात को ही हमें वापस आना पड़ेगा बिकॉज फैमिली की कल सुबह जल्दी मीटिंग है। सो वी विल कम बैक इन नाइट ओनली, वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉप हिम। आई नो इट्स लिटिल हैक्टिक बट ये करना जरूरी है गाइस क्योंकि हमें जाना है और हम जॉय को डे केयर में नहीं छोड़ना चाहते। देयर आर 2 रीजंस। फर्स्ट, एक तो वहां पे 800 रुपए पर डे देना पड़ता है और सेकंड, हमने पहले छोड़ के देखा है तो वहां पे ना हमने देखा जब भी हम जॉय को वापस लाते थे जॉय के यहाँ खरोच है वहां खरोच है एंड यू नेवर नो कि वो ढंग से खाना खा भी रहा है या नहीं खा पा रहा है। सो घर पे मेरे मम्मी पापा काफी कंफर्टेबल हैं सो वो चाहते हैं कि जॉय को हम वहीं छोड़ दें और वी आर गोइंग फॉर अराउंड 7-8 डेज। सो हम इतना सारा खर्चा क्यों करें। और ये फैनल है और मैं सुंदर हूँ। तो गाइस पीछे बैठा है जय्यू हमारा, इधर से उधर घूम रहा है, ये गाड़ी चला रहा है। इट्स ऑलरेडी 12 इन द नाइट। और घर पहुंच गए हैं, मम्मी को देख के पागल हो गए। लीविंग, हम रात को यहाँ पे सोए थे, जया को छोड़ने आए थे और अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे वापस। उसके बाद ऑफिस का काम, भगवान के हाथ जोड़ लेते हैं और फिर जाते हैं अपने घर पे। चल बाय मॉम, द एक्स्ट्रा वेगांसा द बॉम्ब। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने इतना बढ़िया खाना बना के दिया हमें। चलो फिर अम्मा जी के पैर छू। बाय मम्मी, बाय बाय भाइयू। चलो हम तो जा रहे हैं। गाइज वी कुड फाइनली डू इट। अभी हम अपने घर से वापस जा रहे हैं, बज रहे सुबह के 5। सो आर अर्लियर प्लान वॉज कि हम रात को ही छोड़ के रात को वापस आएंगे एंड वी विल स्लीप इन आर होम, बट ऑलरेडी हम लोगों को बहुत नींद आ रही थी सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट रिस्क वी थॉट ऑफ स्लीपिंग इन माई होम टाउन। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और हमने सिर्फ 2.5 घंटे की नींद ली है और जॉय को हमने फाइनली सेफली ड्रॉप कर दिया है हमारे घर पे। सो एक टेंशन खत्म हो गई है बट आंखों में अभी नींद है और थकावट है, बट ठीक है वो हम मैनेज कर लेंगे, एक दिन की बात थी। एंड यू गाइज शुड बी स्टे ट्यून्ड विद अस
फॉर अपकमिंग अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग व्लॉग्स. आई एम टेलिंग यू गाइस, वी आर स्टिल ऑन द वे टू आवर होम. ये देखो, ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. आगे अच्छा व्यू मिलेगा तुम्हें. ये हमारी गाइड है. ओके सर, गार्डियन से चलाओ. ये रहा पास से आपको दिखा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. गवर्नमेंट क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जेएलएन. तो तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो? खामखा जवाहरलाल. आप में से कमेंट करके बताओ कौन कौन इसके अंदर गया है. वैसे भी मैचेस होते हैं इसके अंदर, मुझे तो आइडिया नहीं. अरे ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं है. लो, मुझे तो ये भी नहीं पता था यार. मेरा तो जीके बिल्कुल ही बेकार है. तो यहाँ क्या होता है? एथलेटिक्स होते हैं, ओलंपिक्स वगैरह. हाँ, वो ट्रैक एंड फील्ड. ट्रैक क्वींस, ट्रैक एंड फील्ड. ओके, गेम्स. ठीक है, गॉटा. चलो गाइस, इसके बराबर में एक इंडोर स्टेडियम भी है. उसका नाम क्या है? टी से नाम त्यागराज. वो तो थोड़ा और आगे है वो. गाइस, नहा धो के तैयार हो गया हूँ, कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं. उधर मेरा ऑफिस स्टार्ट हो चुका है. आज मेरे को ऑफिस का काम जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड 30-40 मिनट्स टू डू माय पैकिंग, टू आर पैकिंग. उन भाई साहब की भी पैकिंग मुझे करनी पड़ेगी. यस, सम मीटिंग टुडे, सो ही विल बी लेट. इसको मेरे को बेडरूम ही बनाना था, और ये मेरा मन था मैं इसको बेडरूम बनाऊं. और ये यहाँ पे बेड काफी कोजी लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, और मुझे अच्छी फीलिंग दे रहा है, बिकॉज यहाँ सामने मेरे पास टीवी है और इधर बेड है. सो आप अगर आपका रात को मन है तो आप आराम से बैठ के टीवी भी देख सकते हो. सो गाइस, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है. अभी यहाँ पे मेरे को एक बढ़िया सी हम दोनों की फोटो लगवानी है, बड़ी सी. अब मतलब वो भी फैनल से पूछना पड़ेगा किस तरीके की अच्छी लगती है. सो मैं वही लगवाऊंगा. सो यही है, लेकिन बिलीव भी मेरे को ये करने में बहुत मेहनत लगी. मेरे पूरा वर्कआउट हो गया समझ लो आप, क्योंकि मेरे को ये पूरे बैग को खोलना पड़ा, उसका बैग अलग करना पड़ा, ये दोनों बैग को अलग करने पड़े, फिर यहाँ से ये दोनों बेड्स निकालने पड़े, उसको यहाँ बाहर करना पड़ा, एंड देन फिर इस वाले बेड को यहां से निकालना पड़ा. ओ माई गॉड, यू कैन अंडरस्टैंड कितनी मेहनत लगी थी. बट देन मुझे मेहनत करके, एक्चुअली मेरे को ये था कि सिंस यहाँ से कितना पैसेज रहेगा. सो पैसेज काफी इजी है, आई मीन इजीली आप यहाँ से निकल सकते हो. तो पहले मुझे लग रहा था वो ड्रॉर्स दिखेंगे नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग इन दिस रूम. सो और काफी कोजी फीलिंग आ रही है गाइस, काफी कोजी फीलिंग आ रही है. मैं इसको थोड़ा सा और लिटिल डेकोरेट करूंगा बाकी, हालांकि इसमें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. बट एक मैं चाहता हूं कि एक सुंदर सा इंडोर प्लांट हो, और एक यहाँ पीछे एक सुंदर सा फोटो फ्रेम होना चाहिए, और मैं कर्टेन्स भी बाद में चेंज करूंगा. बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए यही है. और ये है, बताओ आप कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में. ये दाल फ्राई, मैंने बनाए थे चावल, और आज हम बना रहे हैं पपड़म. और पता है, इसके अंदर इसे खोलो अलमारी, इसके अंदर में रुको मैं लाइट जला के आता हूँ. ये भी फ्राई कर सकते हैं, कल जाएंगे ना. ये हाँ, ये पैकेट कब से पड़ा हुआ है, उसको बंद क्यों करके रख दिया. अच्छा, ये जाने की तैयारी हो रही है. पापड़ बन रहा है, पापड़ नहीं कचरी लेकर जाएंगे, तो भी रास्ते खाने के लिए. तुम्हें तो वैसे भी मंचिंग का बड़ा शौक है.